नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत के मामले में लगातार कई अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वेबसाइट ने सुशांत के डॉक्टर का बयान छापा था, उस डॉक्टर का जिनके पास सुशांत डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इस छपी रिपोर्ट में बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम मेंशन किए गए थे। इसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उस साइकेट्रिस्ट के खिलाफ लिखने लगे। लोगों ने कहा कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डॉक्टर को कुछ बताए तो डॉक्टर का फ़र्ज बनता है कि उस बात को वो किसी को भी ना बताए। एक्टर इरफान की पत्नी सुतपा सिदकर ने भी इस मामले को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सुशांत के डॉक्टर के बर्ताव की आलोचना की थी। बाद में पता चला कि डॉक्टर के बयान को लेकर जो खबरें सामने आईं वो सही नहीं थी। इसका पता चलने पर सुतपा ने भी फेसबुक का जो पोस्ट था वो डिलीट कर दिया और डॉक्टर से माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने पुराने पोस्ट में उस गलत खबर का लिंक भी डाला था जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। सुतपा ने लिखा, मैंने कुछ पोस्ट किया था और मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि थेरेपिस्ट ने कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की है, इसलिए अब मैं उस लिंक को डिलीट कर रही हूँ और मैं डॉक्टर से माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन उन्हें उस पत्रकार पर ज़रूर मुकदमा चलाना चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कि लोग इसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। मुझे उन सभी लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है जिनके नाम उस आर्टिकल में थे। इमेजिन कीजिए कि इतनी देर में कितनों ने रिया को ट्रोल कर दिया होगा। हम कभी ये नहीं जान सकते कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था, इसलिए सोशल मीडिया पर नैतिकता के आधार पर जजमेंट देना सही नहीं है। आज कोई भी सामने आकर सोशल मीडिया पर जज, थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर बन जाता है। इसके आगे सुतपा ने लिखा, दुख से डील करते हुए कई बार आप दूसरों के लिए बहुत दयालु हो जाते हैं। दर्द से भी कई बार कुछ सीखा जा सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ जब लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सहानुभूति दिखाते हुए अनैतिक और भाव शून्य हो गए थे। हम मृतकों और जीवितों के प्रति सम्मान दिखाना भूल गए थे। सुतपा ने आगे गलत रिपोर्ट छापने को लेकर दुख जताया। उन्होंने लिखा, साथियों, दुख कई बार प्रोडक्टिव भी होता है। किसी ने मुझे वो आर्टिकल भेजा था और ये कितना गैर जिम्मेदाराना है। मीडिया और कितना नीचे गिर सकता है। मैं फिर से उस डॉक्टर से माफ़ी मांगती हूँ। ये सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ जिसके बारे में हमने आपको बताया, आपने जान लिया है। आप कुछ इस बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। बाकी सिनेमा जगत की और खबरों के लिए ललन टॉप के साथ रहें। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।